सब्सक्राइब जीएसबी इलेक्ट्रिक एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों, ये हमने कैबिनेट बनवाया है और इस किट पर हमारा वीडियो पहले आ चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखेंगे मेरे वीडियो लिस्ट में। और ये जो है M567 है, इसके डिटेल, इसके बारे में डिटेल हमने बतलाया है और इसी के हिसाब से हमने ये कैबिनेट तैयार करवाया है। कैबिनेट का थोड़ा सा हम आइडिया आपको दे देते हैं। ये जो घर है, टोटल एक बॉक्स 6x6 का है, यानी डेप्थ, हाइट और लेंथ। फिर ये डेप्थ हाइट और लेंथ जो है 6x6 का है। और बीच में ये हमने ट्रांसफार्मर और इस कार्ड को लगाने के लिए जगह बनाया है जो 4 इंच का है। बाकी हाइट तो वही होगा 6 इंच सबका। तो 4 इंच, 6, 6, 12, 4, 16, यानी ये टोटल जो है लगभग 18 इंच का ये सीट लंबाई में 2 कटेगा आपका। और इसी के हिसाब से आपको बॉक्स का डिज़ाइन कर लेना है। और इसमें हमने ये पैसिव रेडिएटर भी बना के लगाया है जो 4 इंच के बूफर के पर्दा से हमने बनाया है। और ये जो अंदर है ये अल्मीनियम का प्लेट है। इस प्लेट का वज़न लगभग 30 से 35 ग्राम के आसपास में है इस प्लेट का वज़न। और इसका रिस्पांस अब दूसरे बॉक्स में लगा के देखा था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। और इसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर ये डालना है, जो ट्रांसफार्मर जो है हमारा 14014 का है। और फुल वेव हमने रेक्टिफायर यहाँ बना दिया है। और कैपेसिटर जो है ये अंदर से आपको दिखेगा 4700 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का कैपेसिटर हमने यहाँ डाला है। और इसी से हमने ब्लूटूथ किट के लिए भी 5 वोल्ट सप्लाई निकाला है। तो इसे हम अब असेंबल करते हैं। इसमें चूँकि ट्रांसफार्मर हमारे पास बड़ा साइज में था, तो चूँकि अब ये खुद का मेरा अपना ही ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है और ये ओरिजिनल 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। अब हम इसे टाइट करने के बाद फिर आगे दिखाते हैं आपको। ये हमने एक होल बना दिया है जिससे कि ये वायर बाहर निकलेगा। ये ट्रांसफार्मर पर न्यूट्रल जा रहा है। बाइक के लिए हो गया है। 2 ट्यूटर है, जो ट्यूटर हमारा यहाँ पर लगेगा। तो ये 2 ट्यूटर हमने यहाँ सेट कर दिया। अब मैं स्पीकर इस पैनल पर सेट करूँगा। बूफर है, ये दोनों बूफर हमने सेट कर दिया है। और ये जो है सप्लाई के लिए है वायर, ये दोनों सप्लाई का स्विच है, ये स्विच पर चला जाएगा। ये बीटी किट के लिए हो गया। और ये जो वायर हमने डाला हुआ है, देखिए यहाँ निकला हुआ है, जो कि यही स्पीकर के ऊपर आएगा ट्यूटर का, और ये एम्पलीफायर के साथ जाएगा। तो अब हम इसका भी कनेक्शन कर दे रहे हैं। ये
ट्विटर का वायर आ रहा है ये, और ये स्पीकर में जाएगा, तो ये दोनों को एक साथ ट्विटर और स्पीकर हो गया लेफ्ट राइट, और ये राइट और लेफ्ट का स्पीकर का वायर हो गया। और ये जो है रेगुलेटर सप्लाई है 5 वोल्ट, तो इसे हम से प्लेट लगा हुआ है ये। अब चूंकि मुझे यहाँ ये थोड़ा सा हीट सिंक का भी व्यवस्था यहाँ लगा दे रहे हैं कि इस रेगुलेटर ये जो है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है प्लस, तो ये थोड़ा ध्यान से आप लोगों को भी लगाना है। ये हमने 1 mm वायर का यूज किया है इस सप्लाई के लिए, माइनस के लिए ये हो गया। थोड़ा टाइट हिसाब से कर, तो ये हो गया सप्लाई, और ये लेफ्ट का हो गया, तो एल आउट, एल आउट में आप देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस, तो माइनस यहाँ हो गया और प्लस वाला यहाँ हो गया, प्लस और आर का ये स्पीकर आउट माइनस। बहुत आसान है, बस ये आपका हो चुका है। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ और आप लगा कर छोड़ दें, यहाँ आर और एल, आर वाइट वाले वाइट वाला हो गया राइट चैनल, और रेड वाला हो गया लेफ्ट चैनल को डाल ले रहा हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच का हो गया, और ये दो वायर हो गया जो बीटी किट के साथ यूज करना पड़ेगा। और ये जो है हमारा 5 वोल्ट डीसी सप्लाई का है, 5 वोल्ट हो गया। अब इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं। ओके है।
Bluetooth में paired. अब देखिए इस पर म्यूजिक का क्लैरिटी कितना है. लाइजर का हो गया, ये बेस है, ये टोन है, फिल्टर, और ये वॉल्यूम है.